आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी भाई में। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये विला का है जो कि सेंट्रल नोएडा सेक्टर 79 में लोकेटेड है। मैं आपको इसमें टूर दूंगा पूरे विला का। महाकुन मीरा विला नाम से ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर विला है। इसका जो स्टार्टिंग है विला का, वो लगभग ये विला कॉस्टिंग आती है इसकी 5.25 करोड़ से। तो मैं इसका आपको टूर दूंगा, इसके बारे में सारी चीजें जानेंगे। चलिए विला देखते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। कोरोना के अंदर बहुत तकलीफ हो रही है वीडियो बनाने में, बड़ी प्रॉब्लम से बना पा रहा हूँ मैं, तो एटलीस्ट एक सब्सक्राइब तो बनता है और लाइक जरूर करके जाइएगा। तो दोस्तों ये है सोसाइटी का एंट्री गेट, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। ये सोसाइटी है महागुन मीरा विला। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल नोएडा का सेक्टर 78-79 वाला रोड है। लेफ्ट में ये मेट्रो स्टेशन चला जाता है सेक्टर 76। और राइट में ये रोड जाता है, आपको कनेक्ट करता है 82 सेक्टर से। आप ग्रेटर नोएडा जा सकते हैं, यहाँ से नोएडा एक्सटेंशन के लिए सीधे जा सकते हैं। चलिए अंदर लेके चलता हूँ मैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से विला के बाहर का पूरा लेआउट है। ये विला है, तो हम एंटर करेंगे। चलिए अंदर चलते हैं। एंटर करते ही आपको एलईडी बेल मिल जाती है हनीवेल की। फिर ड्राइंग एरिया मिल जाता है डबल हाइट में। तो ये जो आप देख रहे हैं ड्राइंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है, साथ में VRF आपको लगा हुआ मिलता है। देन फिर मेरे लेफ्ट में ये किचन है। किचन का आप साइज देख सकते हैं, बहुत ही ग्रैंड साइज का है। यहाँ पे आपको चिमनी और हॉब लगा हुआ मिलेगा किचन के अंदर। और यहाँ पे अच्छी चीज ये है, जो भी आप ये कैबिनेट देख रहे हैं, ये आपको करा हुआ पूरा वर्क मिलेगा। माइक्रोवेव इसमें नहीं होगा, ना ही डिशवॉशर होगा, वो आपको अपने से लगवाना होगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिजाइन भी करा सकते हैं स्पेस, बिकॉज बहुत ही बड़ा है ये। तो ये है फैमिली लाउंज एरिया, साथ में आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने गलत बोला था, ये ड्राइंग एरिया नहीं है, ये फैमिली लाउंज एरिया है। जो ड्राइंग रूम है एक्चुअल में, वो ये है। ये आपके विला का ड्राइंग एरिया है विच इज ऑन ग्राउंड फ्लोर, ऊपर VRF। सो ये आप देख रहे हैं ड्राइंग एरिया, काफी लेविश है ये, बहुत अच्छा साइज है। सीलिंग भी आप ऊपर देख सकते हैं हाइट। इसके साथ में ही आपको पर्सनल पूल मिल जाता है। ये जो आप देख रहे हैं पर्सनल पूल है, ड्राइंग रूम से लगा हुआ। अभी बारिश की वजह से थोड़ा गंदा है ये। और पूल के साथ ही लगा हुआ दोस्तों, ये आपको आपका पर्सनल लोन मिल जाता है, एक लोन एरिया है ये। इसको आप मेंटेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पूल नहीं लेना चाहते हैं, इसको पूरा आप लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस पूरे एरिया को, तो आपका एक एल शेप में ये लोन बन जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर आता हूँ, तो ये मास्टर बेडरूम है। साइज काफ़ी अच्छा है, बहुत बड़ा है, ग्रैंड है ये। तो ये पाउडर रूम है यहाँ पे, देन वॉशरूम। ये जो वॉकिंग क्लोजेट है, ये पूरा यहाँ पे आपको मिलेगा दोनों साइड में। देन फिर वॉशरूम आ जाता है,
ये आ जाता है शावर एरिया। गोल्ड प्लेटेड फिक्स्चर फिटिंग्स लगी हुई है इसमें। कुछ इस तरीके से आपको बालकनी का व्यू मिलता है मास्टर बेडरूम के। बालकनी का साइज भी आप देख सकते हैं। ये दोस्तों पर्सनल टेरेस, यहाँ पे आप एक गेट टुगेदर कर सकते हैं, शाम को आप आराम से चाय पी सकते हैं फैमिली के साथ बैठ के। और कुछ इस तरीके से व्यू है ये बाहर का सोसाइटी का। मास्टर बेडरूम से निकल के अगर हम जाएंगे तो एलिवेटर आ जाता है, देन उसके बाद ये फैमिली लाउंज आ गया। ये एरिया जो आप देख रहे हैं, इसके साथ में ही एक ड्राइव पेंट्री दी हुई है। लाउंज के साथ में आपको ये ड्राइव पेंट्री अंदर मिल जाती है। सो फैमिली लाउंज के बाद ये सेमी मास्टर बेडरूम है, आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी ग्रैंड साइज का है, अच्छा साइज है। साथ में वॉशरूम। ये वॉशरूम है, शावर एरिया, वॉशरूम का साइज भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है। इस रूम के साथ भी आपको बालकनी मिल जाती है। अब हम चलते हैं दोस्तों सेकंड फ्लोर पे। तो अब मैं आ गया हूँ सेकंड फ्लोर पे। ये भी सेम ही बना हुआ है वैसे, ये आपका मास्टर बेडरूम है, आप देख सकते हैं। इसका थोड़ा डिज़ाइनिंग में चेंजेस है, उधर बालकनी मिल जाती है आपको। ये बालकनी है आप देख सकते हैं, स्पेशियस है। इसका जो बाथरूम है दोस्तों वो भी काफी स्पेशियस है, बिकॉज डिजाइन मैंने जैसे बताया वो चेंज है इसमें। सो ये लेफ्ट में आपको वॉक इन क्लोजेट मिल जाती है पूरी, शावर एरिया आपका। सो मास्टर बेडरूम के बाद अगेन सामने एलिवेटर, फैमिली लाउंज। दोस्तों फैमिली लाउंज के साथ आपको मंदिर का एरिया मिल जाता है ये, देन फिर अगेन रूम। ये आप देख रहे हैं साथ में वॉशरूम, सेम साइज है। साथ में रूम के आपको बालकनी मिल जाती है, यहाँ भी काफ़ी बड़ी बालकनी है ये भी। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको टेरेस, चलिए चलते हैं ऊपर। तो अब मैं आ गया हूँ टेरेस पे। ये आपको एरिया मिल जाता है स्टेयर से लगा हुआ, साथ में इधर एलिवेटर। तो टेरेस पर जैसे ही हम आते हैं तो ये हमको सिटिंग स्पेस मिल जाता है। देन फिर इधर ये काफ़ी बड़ा साइज का टेरेस है, आराम से आप एक छोटी पार्टी यहाँ पे कर सकते हैं, अपने घर पे बारबेक्यू कर सकते हैं आराम से।
तो दोस्तों जैसे कि ये आप देख रहे हैं सामने, आपको नीचे में दिखाना चाहूँगा जूम करके, ये इसका क्लब हाउस है और सोसाइटी ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट है। यहाँ पे अपार्टमेंट का पोजेशन ऑलरेडी आ चुका है, विलास का जो है वो दिवाली पे है स्टार्ट हो जाएगा पोजेशन। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं इसके बेसमेंट में विला के, चलिए आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों बेसमेंट में आपको जगह मिल जाती है, यहाँ पे आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं आराम से, यहाँ पे चार गाड़ियों की पार्किंग हो जाएगी। सर्वेंट रूम और वॉशरूम है उनके, और ये हो जाती है हमारे विला की एंट्री। आप गाड़ी पार्क करिए और सीधे अपने विला में चले जाइए। एलिवेटर लगा हुआ है, ये स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए। तो मेरे साथ दोस्तों राजेश जी हैं, जो कि महागुण डेवलपर की तरफ से ही हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रॉपर्टी वाइब में। थैंक यू। मैं सर हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, आप बताएं कि जो विला है, विला का क्या प्राइस रेंज है, क्या साइज स्टार्ट हो जाता है और कौन सी बैंक से जो फाइनेंस करती है, अगर फाइनेंस की बात करें, और क्या इसकी USP है, मतलब कोई ले तो महागुण का ये विला क्यों ले। जो मेरी प्रॉपर्टी है वो 280 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी के साइज में बनी हुई है। ओके। एंड जो सुपर एरिया है वो 6750 स्क्वायर फीट है। ओके। इट इंक्लूड्स बेसमेंट प्लस 3 फ्लोर्स, ग्राउंड फर्स्ट एंड देन सेकंड फ्लोर। ओके। और इसके अलावा जो बैंक फाइनेंसिस कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सारे लीडिंग बैंक्स इसमें फाइनेंसिस कर रहे हैं, लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक, सारे लीडिंग बैंक्स। ओके। एंड इट्स अ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मेरी। इसका जो पोजेशन मैं ऑफर कर रहा हूँ अराउंड अक्टूबर नवंबर में हम इसको हैंड ओवर करना स्टार्ट कर देंगे। यस। सो पोजेशन भी दोस्तों इसका जल्दी ही आने वाला है, अक्टूबर में आपको पोजेशन मिल जाएगा जैसे सर बता रहे हैं, और रेडी प्रॉपर्टी है, सोसाइटी भी रेडी है जैसे आपने वीडियो में भी देखा। जी सर। और इसकी USP क्या है सर? प्रोजेक्ट के USP की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बेस्ट USP ये है कि इट हैज़ नो ओपन कार पार्किंग इन सोसाइटी। ओके। जो भी कार पार्किंग है वो आपकी बेसमेंट में है, प्लस विला आपने देखा ही होगा कैसे हमने विला को डिज़ाइन करा है। इट्स अ थीम बेस्ड प्रोजेक्ट, आपने विला को अगर ध्यान से देखा होगा तो एक क्लासिकल थीम पे डिज़ाइन करा गया है। right. और जो मेरी सोसाइटी है वो रोमन थीम पे डिज़ाइन करी है। सोसाइटी रोमन थीम पे सोसाइटी है, और ये सर ने बहुत एक अच्छी पॉइंट बोला है कि जो यहाँ पार्किंग है ना, ये बहुत एक बड़ी चीज़ है। पार्किंग जो है वो सारी की सारी अंडरग्राउंड है, तो ऊपर कोई मूवमेंट नहीं है, आप सेफ हैं, आपके बच्चे सेफ हैं, सीनियर सिटीजन है वो भी सेफ है सोसाइटी के अंदर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस जो प्रोजेक्ट की एक और USP बताना चाहूँगा, इट्स अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। मैंने जो अपार्टमेंट्स भी बनाए हैं वो काफ़ी कम बनाए हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंड एरिया। राइट। प्लस मेरे जो विलाज हैं वो ओनली 16 विलाज भी हैं, तो एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट इसको हम कह सकते हैं। तो मात्र 16 विलाज हैं वो, तो आपको मैं कहूँगा कि जल्दी आइए इसमें लीजिए, बहुत ही अच्छी विला लगी मुझे तो। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो सर ने जैसे बताया, आर्किटेक्ट है, जो डिज़ाइनिंग है ना वो बहुत ही प्यारी है, पूरे घर में लाइट है, पूरे घर में एक पॉजिटिव जो एक फील आती है, मुझे खुद यहाँ एक पॉजिटिव फील आई, सो बहुत अच्छा है। प्लस आप देख रहे हो इसमें पर्सनल एलिवेटर हमने दिया हुआ है विला के अंदर, 16 फीट जो इसकी सीलिंग हाइट है, ये ग्राउंड फ्लोर पर हम जहाँ बैठे हैं, इसको लग्जरी फील इसको देती है। राइट। ट्रू। और सर अगर प्राइसिंग की बात करें तो ऑन एन एवरेज क्या रहता है हमारा प्राइसिंग? देखिए अगर हम जिस कंडीशन और जिस स्पेसिफिकेशन के साथ ये विला दे रहे हैं जी, तो अप्रॉक्सीमेटली जो मेरी प्राइसिंग जाती है वो 5.2 और 5.3 CR के अराउंड जाती है। 5.2 5.3 CR का दोस्तों यहाँ पे विला आपको मिल जाएगा। और सर लोकेशन के बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को और बताएं, कुछ लोग बाहर के होंगे तो उनको थोड़ा आइडिया दें। श्योर। दिस प्रॉपर्टी इज़ इन सेक्टर 79 विच इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नोएडा। सो सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा डेवलप्ड है, स्कूल हॉस्पिटल सारे नियर बाय हैं। राइट। और सेंट्रल नोएडा की वजह से सारा जो प्रीमियम सेक्टर है, वन ऑफ द प्रीमियम सेक्टर ऑफ द सेंट्रल नोएडा। राइट। दोस्तों ये था महागुण का मेरा विला का विला, ये सेक्टर 79 में है प्रोजेक्ट, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, विला का कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, डिज़ाइन बहुत अच्छी है। तो बाकी मैं आपको स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा, अभी आपके पास आ रहा होगा, वो नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आपकी, आप साइट विजिट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपकी साइट विजिट हो जाएगी। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब करिए और कोविड 19 में अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो।